हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। आज का वीडियो अनोखा है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जगह की जो साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार खुली जाती है पब्लिक के लिए। ये वीडियो है मुंबई के अंधेरी MIDC एरिया के 500 साल पुराने सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चर्च के बारे में। सो मई 2017 में मैं और मेरा भाई ये जगह आए थे। तब हमें नहीं पता था कि ये साल में सिर्फ एक बार खुलता है, लेकिन कोइंसिडेंस ऐसा कि हम जिस दिन गए उसी दिन उसे खुला रखा गया था। अनफॉर्चुनेटली हम शाम को पहुंचे थे इसलिए चर्च के गेट पर ताला लग गया था, लेकिन मई 2018 में पूरे एक साल इंतज़ार करने के बाद हम इस चर्च में सुबह पहुँच गए। तो इस चर्च के पीछे की कहानी ये है कि पोर्टुगीज ने इसे 1579 में बनवाया था, लेकिन 1840 में आई एक महामारी के कारण ये चर्च वीरान हो गया। ये चर्च की सारी पवित्र चीज़ों को मरोल गांव के चर्च में रखवाया गया। घनी झाड़ियों ने इस चर्च को घेर लिया और इससे इसके स्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा। 1973 तक इस चर्च में साल में एक बार मास ऑर्गेनाइज किया जाता था, लेकिन MIDC ने इस चर्च के आसपास का एरिया ले लिया और अगले 30 साल तक इस चर्च पर फिर से किसी का ध्यान न जा पाया। फिर 2003 में महाराष्ट्र के तब के चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे जी ने इस चर्च को क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले कर दिया। सो ये चर्च साल में एक बार मई मंथ के दूसरे संडे यानी कि मदर्स डे को खुलता है, जो 2019 में आएगा 12th मई को और 2020 में आएगा 10th मई को। और क्योंकि ये साल में सिर्फ एक बार खुलता है, लोग बड़ी बेसब्री से इसका इंतज़ार करते हैं और इसीलिए बहुत भीड़ रहती है। तो दोस्तों, ये हिस्टोरिक जगह देखने के लिए मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा। तो ये था हमारा वीडियो मुंबई के 500 साल पुराने सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चर्च के बारे में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट कीजिए, और आप नए हो बम्बैया घुमक्कड़ पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।